आज हम आपको बताएंगे कि रावण क्यों नहीं उठा पाया था सीता स्वयंवर में धनुष, और भारतीय रेल का सबसे डरावना स्टेशन कौन सा है जहां रात को रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और कौन सा जानवर सबसे क्रूर है और क्यों, और मरने के बाद आत्मा कहां जाती है, क्यों गरुड़ पुराण में पिंडदान को बहुत महत्व दिया गया है, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, रावण क्यों नहीं उठा पाया था सीता स्वयंवर में धनुष। रावण बहुत ही शक्तिशाली था, वह एक बार कैलाश पर्वत को भी उठा लिया था। ऐसे में यह सोचना स्वाभाविक है कि वह सीता स्वयंवर में रखे गए शिव धनुष को आसानी से उठा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे दो मुख्य कारण है। पहला कारण ये था कि धनुष उठाने में केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं थी, इसके लिए प्रेम और दयालुता भी आवश्यक थी। रावण एक अहंकारी और क्रूर व्यक्ति था, उसके मन में प्रेम और दयालुता नहीं थी, इसीलिए वह धनुष को नहीं उठा सका। दूसरा कारण ये है कि धनुष एक दिव्य शक्ति से युक्त था। यह धनुष भगवान शिव का था। भगवान शिव ने इस धनुष को इसीलिए बनाया था कि वह केवल ऐसे व्यक्ति को मिले जो दयालु, प्रेमी और शक्तिशाली हो। रावण इनमें से किसी भी गुण से युक्त नहीं था, इसीलिए वह धनुष को नहीं उठा सका। नंबर 4, भारतीय रेल का सबसे डरावना स्टेशन कौन सा है। नैनी रेलवे स्टेशन, ऐतिहासिक नैनी सेंट्रल जेल के पास यह स्टेशन बना हुआ है। यह इलाहाबाद स्टेशन से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नैनी जेल में आजादी से पहले कैदियों को यातनाएं दी जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि उनकी आत्माएं अब भी स्टेशन के पास भटक रही है। छिनैती, जहरखुरानी, लूटपाट और हत्या इस स्टेशन के आसपास अधिकतर होती रहती है, इसीलिए जब भी यहाँ जाइए तो सावधान रहिए। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, ये स्टेशन कोलकाता मेट्रो में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ एक औरत की आत्मा भटक रही है। रात 10:30 बजे के बाद यहाँ कोई भी नहीं रुकता। यहाँ जाने पर ऐसा लगता है कि सिर्फ भूतों की बारात ही निकल रही है। MG रोड मेट्रो स्टेशन, दिल्ली गुरुग्राम के इस मेट्रो स्टेशन पर लोग भूतिया गतिविधियों को महसूस करते हैं। कहते हैं कि यहाँ एक औरत का बच्चा खो गया था। उस औरत ने अपने बच्चे को बहुत खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। फिर उसने आत्महत्या कर लिया। आज भी वह भटक रही है और अपने बच्चे को तलाश रही है। नंबर 3, डर्ट ईटर मास्क क्या थे और इनका उपयोग क्यों किया जाता था। 16वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान अफ्रीका में गरीब गुलामों के मुंह को उनके मालिकों ने मास्क के द्वारा बदवा दिया था। इसके पीछे मालिकों का लालच छुपा था। दरअसल उस जमाने में गुलामों पर बहुत अत्याचार किए जाते थे। उन्हें सुबह से लेकर शाम तक कठोर परिश्रम करवाया जाता था और उसके बदले खाने को कुछ भी नहीं दिया जाता था। ऐसे में कुछ गुलाम खेतों में काम करते वक्त भूख से तड़पने के कारण फसल में से कुछ खा लेते थे, जैसे थोड़े से गेहूं, बाजरा या चावल। इनको रोकने के लिए मालिकों ने उन्हें यह मास्क लगाना शुरू कर दिया। उसी के साथ उस जमाने में जो गुलाम फसलों से कुछ नहीं खा पाते वो अपना पेट भरने के लिए मिट्टी खाने लगते थे ताकि उनकी भूख शांत हो जाए, लेकिन उस कारण वे बीमार पड़ जाते थे। इस चीज से बचने के लिए भी मास्क का उपयोग निर्दयी मालिकों द्वारा उनके गुलामों पर किया जाता था ताकि वे मिट्टी खाकर बीमार ना पड़े और दिन भर काम करते रहे। नंबर 2, कौन सा जानवर सबसे क्रूर है और क्यों। हैमरहेड कीड़ा एक पतला सांप के आकार का कीड़ा है जो सबसे क्रूर है। ये कीड़े एक आक्रामक प्रजाति के हैं। वे केचुए खाते हैं। केचुआ खाने के लिए वे अपने शरीर को केचुए के ऊपर लपेट देते हैं। अंत में वे केचुए के बेजान शरीर से सब कुछ चूस लेते हैं। अब यह कीड़े अमेरिका और यूरोप में बढ़ते जा रहे हैं। हैमरहेड कीड़ा खुद को 2 हिस्सों में काटकर प्रजनन करता है। कभी कभी वे खुद के शरीर को भी खा जाते हैं। वैसे तो एशिया में ये कहीं नहीं है, फिर भी आपको यह कीड़ा कहीं दिखाई दे तो उसे मारने के लिए उस पर नमक डाले। ध्यान रहे, इसे काटे नहीं, क्योंकि इसे काटने का अर्थ है कि ये एक कीड़े से 2 कीड़े हो जाएंगे। नंबर 1, मरने के बाद आत्मा कहां जाती है। मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद स्वर्ग नर्क की मान्यताएं हैं। पुराणों के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है वह स्वर्ग में जाता है,
जबकि जो मनुष्य जीवन भर बुरे काम में लगा रहता है उसे यमदूत नरक में ले जाते हैं। सबसे पहले जीवात्मा को यमलोक ले जाया जाता है, वहाँ यमराज उसके पापों के आधार पर उसे सजा देते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक तक किस प्रकार जाती है इसका विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि किस प्रकार मनुष्य के प्राण निकलते हैं और किस तरह वह पिंडदान प्राप्त कर प्रेत का रूप ले लेते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोल नहीं पाता है, अंत समय में उसके दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है और वह संपूर्ण संसार को एक समान समझने लगता है। उसकी सभी इंद्रियां नष्ट हो जाती है, वह अपने अंतिम अवस्था में आ जाता है, यानी हिलने डुलने में भी असमर्थ हो जाता है। इसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और लार टपकने लगती है। पापी पुरुष के प्राण नीचे के मार्ग से निकलते हैं। मृत्यु के समय दो यमदूत आते हैं, वे बड़े भयानक क्रोध युक्त नेत्र वाले और पास दंड धारण किए होते हैं। वे नग्न अवस्था में रहते हैं और दांतों से कटकट की ध्वनि करते हैं। यमदूतों के कौवे जैसे काले बाल होते हैं, उनका मुंह टेढ़ा मेढ़ा होता है, नाखून ही उनके शस्त्र होते हैं। यमराज के दूत मरने वाले के गले में पास बात कर यमलोक ले जाते हैं। रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत मरने वाले को भयभीत करते हैं और उन्हें नरक में मिलने वाली यातनाओं के बारे में बताते हैं। यमदूतों के सामने इंसान का शरीर अंगूठे के बराबर होता है, वो यमदूतों से डरता और कांपता हुआ चलता है। इंसान आग की तरह गर्म हवा और गर्म बालू पर चल नहीं पाता है, वह भूख प्यास से भी व्याकुल हो उठता है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। इंसान जगह जगह गिरता है और बेहोश हो जाता है। इस प्रकार यमदूत उस पापी को अंधेरे मार्ग से यमलोक ले जाते हैं। जिस इंसान के पुत्र पिंडदान नहीं देते हैं वो प्रेत बन जाते हैं और लंबे समय तक निर्जन वन में दुखी होकर घूमते हैं। काफी समय बीतने के बाद भी उनको कर्म को भोगना ही पड़ता है, क्योंकि प्राणी नरक यातना भोगे बिना मनुष्य शरीर नहीं प्राप्त होता। गरुड़ पुराण के अनुसार शव को जलाने के बाद पिंड से हाथ के बराबर पहले दिन पिंडदान से सिर, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से दिल, चौथे दिन में पिंड के पीठ, पांचवे दिन में नाभि, छठे और सातवें दिन में कमर और नीचे का भाग, आठवें दिन से पैर, नवे और दसवें दिन से भूख प्यास उत्पन्न होती है। यह पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से व्याकुल प्रेत रूप में ग्यारहवें और बारहवें दिन का भोजन करता है, इसीलिए पिंडदान करना बहुत जरूरी माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और रोज ऐसी वीडियो को देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जब भी ऐसे वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।